फ्रेंड्स, आज अभी जो है महिंद्रा का नया अपडेट आज कर दिया है एक्सडाइक के अंदर, और अपने पास है XUV 500 2014 का मॉडल। अब उसमें ECU की फ्लैश फाइल आती है कि नहीं आती है मैं बताता हूँ। इग्निशन ऑन किया हुआ है, काफ़ी गजब होने वाला है अपना लॉन्च के इजी डाइक 3.0 4.0 4.0 में भी एक दो दिन में हम डाल देंगे, मतलब डाइक जोन के अंदर भी हम एक दो दिन में ये नया अपडेट डाल देंगे। तो जैसे महिंद्रा इंडिया, तो जैसे ही आप खोलते हो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन 13.70 ऑप्टिमाइज द एंटी थेफ्ट मैचिंग फंक्शन एंड सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, जो मतलब की कोडिंग और वो सब में प्रॉब्लम आता था उसका भी सॉल्व किया गया है, प्लस एडेड ECU फ्लैश फंक्शन, काफ़ी कुछ किया हुआ है। जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा था वो भी सॉल्व कर दिया गया है। तो आप फ्लैशिंग के जो देख सकते हैं यहाँ पे बोलेरो XUV 300 बोलेरो प्लस इम्प्रियो जीतो मोराजो मैक्सिमो XUV 500 जायलो काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो हम खुद देखते हैं ना कि अंदर फाइल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ओके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये थिंक डाइक है इजी डाइक परचेस करना है तो हमारे पास अवेलेबल है। और साथ में इस टाइम पे डाइक जोन का कोई एक्टिवेशन नहीं दे पा रहा है, फिर भी हम दे सकते हैं एक्टिवेशन। अगर आपको परचेस करना है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या फिर मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल सिलेक्शन हॉट फंक्शन ओल्ड मेनू, ओल्ड मेनू के नीचे आ रहा है आपको फ्लैश, भाई फ्लैश आ रहा है ये ठीक है। अभी ये काफ़ी कुछ काम करेगा, इसकी जो नोटिस और डिस्क्लेमर है कि मतलब प्रोग्रामिंग रिस्क शैल बी बर्न बाय द इंडिविजुअल, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आप अपने रिस्क पे करिए, वो सब दिया हुआ है ठीक है। नॉट ऑल ECUs सपोर्ट प्रोग्रामिंग ओके, और प्लीज़ मैन्युअली पिकअप द कॉन्फ़िगरेशन एंड पैरामीटर्स रिलेटेड टू ECU बिफोर प्रोग्रामिंग, और उसकी डेटा फाइल आप पहले से बैकअप करके रख लीजिए प्रोग्रामिंग करने के पहले। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। तो ये लॉन्च का काफ़ी बढ़िया धमाका है, XDAG और डाइक जोन दोनों में है अपने पास में ठीक है। तो अभी अपने जो है महिंद्रा गाड़ी है, ये देखिए यहाँ पे आपका ये कनेक्ट हो गया है, ये विन नंबर आ रहा है, ये मॉडल नंबर आ रहा है। जैसे आप ओके करते हैं तो वापस कनेक्ट करता है, मोस्टली सभी गाड़ियों का काम हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं EMS SRS ESP MBFM मतलब BCM इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर IS HVAC। तो अपने जाते हैं EMS में, एक बार ऑटो करके देखते हैं क्या आता है। ऑटो करने पे आया स्कॉर्पियो 2014 EMS फ्लैश ओके। तो ये हमारे 2014 की गाड़ी है, इसका फ्लैश आ चुका है ओके। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे फिर यहाँ पे सिलेक्टेड फाइल्स ये है, एग्जिस्टिंग डेटा ये है ठीक है। तो आप करना चाहते हो फ्लैश तो यस करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो करिए। तो अभी हमको नहीं फ्लैश करना है क्योंकि गाड़ी एकदम फाइन वर्किंग है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये आ गया है। दूसरी बात, मैन्युअली सिलेक्ट करिए तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, EMS मैन्युअली फिर नो टैक्सी ओके। तो ये आ गया आपका, तो नो टैक्सी मतलब जो स्पीड लिमिट फाइल्स आती हैं वो देखिए। अभी ये आपका मैन्युअली में है, आपका दिखाएगा फाइल्स ये रहा EMS 103 ठीक है, डॉट हेक्स फाइल है यहाँ पे ओके, और नई फाइल ये है आप देख सकते हैं। जैसे ओके किया, प्लीज़ सिलेक्ट प्रॉपर हेक्स फाइल, मेरे को कौन सी हेक्स फाइल चढ़ानी है वो मुझे सिलेक्ट करनी है, उसके बाद में वो राइट करेगा। तो अभी मुझे नहीं चढ़ानी है। अब हम देखते हैं MBFM में, फिर वापस भी ये आ गया आपका XUV 500 कैन MBM फ्लैश ओके। अभी अंदर फाइल वर्जन क्या दिखाता है वो हम देखते हैं, ये देखिए MBFM ये सब फाइल्स आ गई हैं। तो आपको प्रॉपर फाइल्स सिलेक्ट करनी रहेंगी कि आपको कौन सा चढ़ाना है ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट करके चढ़ा सकते हैं, और इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का ट्राई करेंगे। एक बार ऑटो भी करके देख लेते हैं हम ओके। ये देखिए आपका ये है 2015 01 12 03, और नया जो है सॉरी ये नई फाइल है और पुराना जो है 2013 वाला है। तो आप नया फाइल उसके अंदर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं नो, काफ़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं मतलब मोस्टली आप सभी गाड़ियाँ कर सकते हैं ठीक है। तो जैसे बैक करते हैं फिर हमारा आ जाता है व्हीकल सिलेक्शन, फिर कॉमर्शियल बुलेरो पिकअप BS6 ठीक है, ये सब भी काम करेगा। इमोबिलाइजर करना है सब, काफ़ी कुछ नया है भाई, हम मेहनत करते हैं इस चीज़ के पीछे आपको अपडेट देने के लिए।
और रही डायगजोन की बात, डायगजोन भी कुछ टाइम में आ जाएगा। तो ये हमारा BS6 सॉरी ये हमारा नया महिंद्रा का अपडेट, जिसमें आप ECU फ्लैश क्या बोलते हैं BCM फ्लैश कर सकते हो। ये BS6 का दिया है फिर, ठीक है। फिर पैसेंजर कार में मोस्टली BS6 आ ही गया है और आने वाला है, उसके ऊपर भी काम चालू है। फाइल जैसे उसकी रेडी हो जाती हैं और गाड़ी में चेक हो जाता है तो वो भी आपको आपके लिए रिलीज़ कर दिया जाएगा। थार BS6 भी है, इमोबिलाइजर का भी दिया है। अब मोस्टली इमोबिलाइजर न्यू व्हीकल में भी ये काम करेगा, तो आपको वो चीज़ का ध्यान देना है। बट इसमें क्या है, बाई चांस कभी कभार काम नहीं करता है, जैसे आई ECU ठीक है जो नहीं है, ठीक है वो भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर परचेस करना हो डायगजोन का या एक्स डायग का, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं तो हम प्रोवाइड करा देंगे, नो प्रॉब्लम। फिर वही ये बाकी का, तो वही EMS रिसेट ने वो सब, ये इमोबिलाइजर का ओल्ड और न्यू जो भी है आपके पास में, ओल्ड की प्रोग्रामिंग देखते हैं, ऑटो आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं वो भी। तो अगर आपको परचेस करना है तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे प्रोग्राम की सक्सेसफुल हो गया है तो यहाँ पे हम नो करेंगे एंड बैक। तो काफ़ी है, आप मोस्टली पूरा काम कर सकते हैं क्योंकि फ्लैशिंग भी आई गया है इसके अंदर, अभी और काम है वो भी चालू ही है, ठीक है।